इस वीडियो में इजराइल रिलेटेड वैकेंसीज मैं बताऊंगा। अगर आप इजराइल जाने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप डायरेक्ट सीधी सिलेक्शन करा के आप इजराइल पहुंच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जाके वहां पे लाइन लगा के इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट सीधी सिलेक्शन पे आप इजराइल पहुँच सकते हैं। क्या क्या वैकेंसीज आया हुआ है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, कितना एज होना चाहिए, पासपोर्ट वैलिडिटी क्या होना चाहिए, ऑफिस कौन सा है, कैसे अप्लाई करना है, हर डिटेल्स इस वीडियो में आगे मिलने वाला है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों सीधा वीडियो पे चलते हैं। अगर आप इजराइल जाना चाहते हैं वो भी बिना इंटरव्यू दिए डायरेक्ट सीवी सिलेक्शन करा के, तो आपके लिए 5 वैकेंसी आया हुआ है। अगर आप सिविल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो आपको मैं बता दूँ ये वीडियो आपके लिए है, और आपके कैटेगरी का 5 वैकेंसी आया हुआ है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सटरिंग कारपेंटर है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। जो सटरिंग कारपेंटर का वैकेंसी है वो लगभग 200 क्वांटिटीज का वैकेंसी आया हुआ है, जहां पे आपको $1800 सैलरी मिलने वाला है। उसके बाद जो वैकेंसी है स्टील फिक्सर का, सेम 200 क्वांटिटीज का वैकेंसी है, आपको जो सैलरी मिलने वाला है $1800 आपको सैलरी मिलने वाला है। उसके बाद मैसन का वैकेंसीज है, वो भी 200 क्वांटिटीज़ का $1800 सैलरी है। अगर आप टाइल्स मैसन है, टाइल्स मैसन में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी 200 क्वांटिटीज़ वैकेंसी है, $1800 आपका सैलरी मिलने वाला है। अगर आप सिविल फोरमैन हो तो 50 क्वांटिटीज़ वैकेंसीज है, आप अप्लाई कर सकते हैं सिविल फोरमैन में, जो सैलरी है $1800 सैलरी है। तो आप देख सकते हैं जो वैकेंसी आया हुआ है वो ह्यूज अमाउंट वैकेंसीज आया हुआ है। अगर आप सिविल रिलेटेड काम में जाना चाहते हैं, अगर आपका ट्रेड इनमें से मैच होता है, जैसे कि सटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मेसन, टाइल्स मेसन, सिविल फोरमैन, अगर आपका प्रोफेशन यही है, अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हो और आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो बाहर जाके, तो आप इसराइल आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पर आप जाके बहुत ही अच्छा पैसा सैलरी अर्न कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ इसके लिए आपका क्या मैंडेटरी, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, हर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपके पास फर्स्ट एक अपडेटेड सीवी होना चाहिए, मतलब जो करंट आपने सीवी बनाया है लास्ट डेट में, जहाँ पे आपका हर एक्सपीरियंस, आपका क्वालिफिकेशन, आपका हर चीज़ जहाँ पे लिखा है वो अपडेटेड सीवी आपके पास रहना चाहिए। आपके पास ऑल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहना चाहिए, जहाँ पे आप काम किए हो, इतना दिन काम किए हो, चाहे 2 साल हो, 4 साल हो, 6 साल हो, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बना लीजिए, क्योंकि आपका ये सर्टिफिकेट बहुत आगे काम आएगा। इसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, जो पासपोर्ट कॉपी और उसका वैलिडिटी मिनिमम आपको 2.5 साल से ऊपर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 2.5 ईयर्स से ऊपर आपका पासपोर्ट वैलिडिटी होना चाहिए। आप फिजिकली फिट होंगे तभी आप जा पाएंगे इजराइल। अगर आप फिजिकली फिट है, आप जानते हैं कि आप काम कर सकते हैं, आप बाहर जाके आप जो कंपनी है वहाँ पे काम दे सकते हैं, आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे आप काम कर सकते हो, तो ये जॉब आपके लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेन क्राइटेरिया है, आपके पास गल्फ से एक्सपीरियंस 3 साल होना चाहिए। या दोस्तों, अगर आपके पास 3 साल एक्सपीरियंस है या फिर 3 साल से ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड में 3 साल या 3 साल से ऊपर एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप समझ लीजिए कि सऊदी अरब में 2 साल काम किए, कतर में 2 साल काम किया, तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आप कुवैत में 2 साल काम किया है, दुबई में 1 साल काम किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल से ऊपर आपका एक्सपीरियंस कितना भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर 3 साल भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 25 से 45 ईयर्स तक है। सो आपको मैं हर चीज़, हर डिटेल बता दिया हूँ, जो वैकेंसी आया है, कितना क्वांटिटीज में आया है, सैलरी कितने मिलने वाला है, क्या क्या इसमें आपको चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, उसके बाद आपके पास क्या क्या रहना जरूरी है, और एक मेन बात, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, क्वालिफिकेशन इसमें मैंडेटरी नहीं है। अगर आप 5 पास हो,
सिक्स पास हो, एट पास हो, 10 फेल हो, 12 फेल हो, तब भी आप जा सकते हैं। एक यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक बात है, आपको काम का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप काम जानते हो तभी आप अप्लाई करिए। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सीधा जो ऑफिस का नाम है डायनामिक ऑफिस दिल्ली, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डायनामिक हाउस के एज 71 दर का सेक्टर 8 बगडोला बेसमेंट केमिन नंबर 1। यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी आप देख सकते हैं कि 1, 2, 4 कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। इन 4 कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करने के बाद आपका जो अपडेटेड रिज्यूम है उन रिज्यूम में आप वहाँ पे सेंड कर दीजिए। उसके बाद आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। आप अगर सोचते हैं कि घर बैठे आप व्हाट्सएप पे या फिर मेल पे CV सेंड करके सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका गलतफहमी है। आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, ऑफिस में जाके आपको अपडेटेड CV देना पड़ेगा। अपडेटेड CV देने के बाद वहाँ में जो जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू लेगा या दोस्तों, उसके बाद अगर उनको लगे कि आप काम किए हो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तब आपका जो अपडेटेड CV है जो इंटरव्यूअर है वो इसराइल में भेजेगा और उसके बाद आप सिलेक्टेड हो जाओगे और आपका वीज़ा आ जाएगा, टिकट आ जाएगा और आप इसराइल आसानी से जा सकते हो। सो मैं आपको पहले से और एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो अगर आपका ट्रेड मेसन है, सटरिंग कारपेंटर है, टाइल्स मेसन है, स्टील फिक्सर है, सिविल फोरमैन है, तो आप इन कैटेगरी में आप अप्लाई कीजिए और CV सिलेक्शन पे इसराइल जाइए। कुछ जानकारी चाहिए नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। आज के लिए इतना ही।